हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस यार, फाइनली 7 बज रहे हैं और अभी उठ गया हूँ, तो चलो उठते हैं। ओ भाई, रात को मैंने राजमा भिगो के रख दिए थे, देख सकते हो। तो इसको बनाएंगे, बाकी अभी लेके आते हैं डेयरी से और दूध को गर्म करते हैं पहले। तो चलो। तो गाइस जल्दी उठ गया हूँ बिकॉज आज एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, थोड़ी बहुत कर लेंगे। बिकॉज नोट्स से तो नहीं मिले, बाकी ग्रुप में पहले के कोई नोट्स वगैरह रखे हुए हैं तो वो रीड करके चलेंगे। तो अभी पहले दूध लेके आता हूँ। तो वैसे रात को तो वैसे भी मैं स्टडी करने रुक गया था, मेरे को नींद आ गई और फिर मैंने ब्लॉग को एडिट नहीं किया और उसके बाद शूट नहीं कर पाया और ऐसे सो गया था। थोड़े से नोट्स मिल गए थे ग्रुप में से, तो उसको रीड कर रहा था, तो फिर बाद में नींद आ गई, मेरे को पता भी नहीं चला। आज तो जल्दी उठाना गाइस, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। दूध 10 का तो ले लिया है, अभी दूध को गर्म करते हैं फटाफट से। आज है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है, जल्दी उठाना, बहुत मस्त लग रहा है। क्या यहाँ पर राजमा की सब्जी रखी हुई है और चावल रखे हुए हैं थोड़े से, तो इनको फिनिश कर देते हैं, बाकी नाश्ता भी हो जाएगा और बर्तन भी साफ करना है। चलो गाइस फिनिश करते हैं। गाइस यार, इसमें पानी भी खत्म हो गया, अब नाश्ता तो हो गया, पानी पीने का प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें भी कचरा हो रहा है देखो, तो अभी पहले पानी लेके आना पड़ेगा। तो चलो दो डब्बे भर के ला रहे, तो दूध भी गर्म हो गया तो इसको साइड में भी रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक पानी भर के लेके आता हूँ। तो गाइस डब्बे तो सारे भरे हुए हैं, तो उनको पहले खाली करते हैं, दो डब्बे बहुत है और बाकी तो नल आ गए थे ना परसों के दिन, तो सारे डब्बे भर देते हैं और सारे बर्तन अभी भरे हुए हैं। आज तो नल आएगा भी नहीं वैसे, तो टूटो भी भर के लाते हैं। और नल का पानी तो यूजली हम पीते नहीं हैं, हेडपम्प का ही पीते हैं, बाकी हेडपम्प का स्वाद अच्छा देता है इसलिए। तो चलो इनको खाली कर लेते हैं। गाइस डमरू कहाँ जा रहा है? स्कूल जाके क्या करेगा? क्या रे डमरू, स्कूल जाके क्या करेगा? ए भाई तू गंजा है ना, तेरा एक दांत का है रे। अरे यार कब, रात को दिन में उंदरा खींच के अच्छे से पढ़ाई करना है ना, क्या बनेगा पढ़ाई कर? तू? मैं तो कुछ नहीं बना यार। मैं भी। तू भी कुछ नहीं बने, बन जाएगा। फाइनली डब्बे भर के ले आ चुका हूँ। दूध तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, फटाफट से इसको भी फिनिश करते हैं, अब ठंडा हो गया तो हो गया। तो गाइस अभी राजमा को रखते हैं उबलने के लिए, तो मैंने पानी तो उबलने के लिए रख दिया है, बाकी थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद इसको डाल देते हैं। गाइस राजमा उबलता है जब तक सारे बर्तन साफ कर लेते हैं, देख सकते हो बहुत सारे रखे हुए हैं, मतलब कल से तो कम है, बाकी इनको सारे को साफ करते हैं। गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर चावल धो लिए हैं और ये हो गए यहाँ पर टमाटर, और ये हो गए प्याज, और यहाँ पर इसमें है लहसुन, और ये हो गए हमारे राजमा। यहाँ पर मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, फटाक से बनाते हैं राजमा मिक्स चावल। फाइनली हमारे राजमा चावल बन रहे हैं और 5-10 मिनट में हमारे राजमा चावल बनकर रेडी हो जाएंगे। यार फाइनली 9:13 हो रहा है
हो रहा है ना, कॉलेज जाने का भी टाइम हो चुका है, तो फटाफट से नहाते हैं। और आज ना नहाने का बहुत ही बढ़िया मौका है, बिकॉज नल भी आ गए हैं और पानी तो ऐसे बहुत सारा भरा हुआ था। वह परसों के नल आ गए थे ना, तो पानी सारा भर लिया था, बिकॉज आज नल में नहाने का मज़ा ही कुछ और रहेगा। फटाफट से कपड़े निकालता हूँ, नहाता हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नहाने के लिए। तो चलो भाई यार, फर्स्ट टाइम नल में नहाने में मज़ा आ गया, सच में बहुत मज़ा आया आज तो नहाने में। तब तक नल चला ना, तब तक नहाया, लास्ट में नल बंद हुआ, उसके बाद ही मैं बाहर आया। तो फाइनली फटाक से कपड़े पहनते हैं और रेडी होके निकलते हैं। गाइस 9:31 हो रहा है, तो चलो गाइस यार फाइनली रेडी हो चुका हूँ। तो अभी खाना खाते हैं, खाने में तो वही है राजमा चावल बनाए हैं, बिकॉज मुझे तो ना अभी 2-3 दिन से राजमा चावल ही मस्त लग रहा है, तो उसी से मेरा काम हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि रोटी नहीं बनाता, बना लेता, बाकी अभी इसी से मेरा काम हो जाता है। मस्त लग रहा है ना, स्वाद में भी मस्त और पेट भर जाता है, फुलफाल हो जाता हूँ राजमा चावल से ही। तो चलो भैया चलो जल्दी चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारे चावल का कैसे क्या है। तो ये देख सकते हो हमारे चावल, इस खुशबू तो मस्त सी आ रही है, बट इसका स्वाद दे टेस्ट करते हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी मस्त मज़ा आएगा। कि ये रहे हमारे राजमा चावल, देख सकते हो मस्त है, मस्त है भाई, मस्त लग रहा है। आपको खाना है तो खा सकते हो, मुझे तो मस्त लग रहा है। कमेंट में बताना कैसा क्या स्वाद है। जो है ना ढके हुए थे तो मैंने इनको ओपन कर दिया था, बाकी ठंडे ही नहीं हो रहे और मेरा टाइम भी हो रहा है, जल्दी जल्दी जाना है। गर्म लग रहे हैं बाजार भाई। सर राजमा चावल ही मस्त है यार, खाने से तो बढ़िया, स्वाद भी मस्त। गाइस यार चावल इतने ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको खाने में और ठंडा करने में, और वैसे भी मेरा टाइम हो रखा है कॉलेज जाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ जल्दी खाऊं, बट बहुत ज़्यादा गर्म लग रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जाने के लिए, बिकॉज लेट ना हो। तो चलो गाइस यार फाइनली फिनिश हो चुका है और टाइम भी हो रहा है, तो चलो अब फटाफट से निकलते हैं कॉलेज के लिए। ये हो गया हमारा बैग, तो शूज पहनता हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा लेट होने वाला हूँ एंड टाइम भी हो रहा है 10:16। तो यहाँ पर हमारे शूज हो गए रेडी, तो गाइस चलो जल्दी चलते हैं, आज का मौसम भी बढ़िया है, बाकी पानी जैसा हो रहा है, सॉरी धूप निकल रही बहुत ज्यादा। तो चलो चलते हैं। पेट्रोल डलवाते हैं, साठ का डाल दो भैया, साठ कैश इधर ले आओ, कैश ले रहा फाइनली गाइस 10 मिनट पहले ही पहुंच चुका हूं। चलो भग के चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कम बचा है। आप कौन सा है रे? तो बता दो ना। तेरा कहाँ कहाँ घूमता है? तो फाइनली गाइस निकलते हैं घर। तो गाइस ये रही कॉलेज की पार्किंग, यहाँ से देखो व्यू कितना मस्त सा है ना। ना बाईपास उधर राइट साइड में मेन रोड है और मैं इधर साइड में चल रहा हूँ डामर रोड पे, बिकॉज उधर है ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और इधर मैं नॉर्मली चलता रहता हूँ धीरे धीरे। उधर है ना बहुत ज़्यादा वाहन चलते, देखो मेन तो वही है ना, इसी वजह से। हाँ फाइनली घर आ चुके हैं, तो फटाफट से ताला खोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाँ आँखें जलन लग रही मेरी, आज चश्मा नहीं लगाया था मैंने और जा नहीं लिया, और आँखों में आंसू भी आ रहे हैं उनको, तो यहाँ आते ही गर्मी चालू हो गई। बाइक पर तो थोड़ी हवा भी लग रही थी, लेकिन यहाँ तो और ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो फाइनली बाइक के अंदर रख देता हूँ।
ताकि धूप में ना चले हमारी बाइक। तो ये रखी है हमने बाइक, इसे बता देता हूँ। तो गाइस बाइक भी रख दी है मैंने, आ रहा हूँ तो थक चुका हूँ, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम करके आया हूँ। तो ये चश्मा की जगह पर रखता हूँ। फाइनली अभी तो कपड़े चेंज करते हैं बिकॉज़ गर्मी भी हो रही है, और ये कपड़े थोड़े नए टाइप के हैं बिकॉज़ मेरे पास अभी नए कपड़े नहीं है, तो नए कपड़े भी लाना है। बस अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही, बाकी लाएंगे बस जल्दी। तो चलो कपड़े चेंज करता हूँ। तो भाई लोग अभी तो कपड़े चेंज हो चुके हैं, तो अभी राजमा चावल खाने की तैयारी है। अभी देखते हैं चावल है कि नहीं है, रखे हुए तो हैं बिकॉज़ मम्मी अभी तक नहीं आई है। तो अभी प्लेट में लेते हैं फटाफट से, बिकॉज बहुत ज़्यादा अब भूख लग रही है देख के। और तो चलो फटाफट खाते हैं, ठीक है ना। चावल खा लेता हूँ तो भूख नहीं लगती, वरना भूख लगती तो मैं तो बना ही लेता हूँ रोटी। तो हाँ चावल से ही मजे ले रहे। डमरू इधर आ, तू स्कूल गया था ना, इधर आ मेरे सामने आ, इधर तेरा वीडियो बनाऊंगा और तेरे से बातें करूंगा ना। अब तू बता तेरा दांत कहाँ गया ए? तेरा दांत कहाँ गया? उंदरा कहती। कौन सा चूहा? चूहा बोलते हैं, उंदरा थोड़ी बोलते। चूहा चूहा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उंदरा। रेड 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 मतलब चूहा। तू स्कूल जाता है ना, मैडम से पूछना, बताएगी मैडम। स्कूल में तेरा नाम क्या है? डमरू। देखना हो ये भग जाएगी, इसको पकड़ के लाना धीरे से। चिकी चिकी अरे चिकी चल, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। डमरू तू कौन सी क्लास में? सेकेंड क्लास में। आज गया था ना मेरे सामने ही, तू बोतल भर रहा था तब। आज क्या सीखा? आज स्कूल में क्या सीखा तूने? 50 तक गिनती। पूरी आती है तेरे को? अरे यार तेरा एक दांत निकल गया। 100 तक गिनती आती है। देखो है ना, एक दांत निकल गया था, तेरा चेहरा जमता कम है। पहले बहुत प्यारा लगता था जब तू छोटा था, अब तो गंजा भी हो गया है ना। तेरे पापा कहाँ गए? काम। और ये इसके साथ क्यों फिरता रहता है? ये तो फ्री है, पढ़ाई किया कर, पढ़ाई स्कूल जाता है ना तू, पढ़ाई किया कर, होमवर्क नहीं देते? देते कर लेता। हो गया कंप्लीट? 50 तक गिनती बोल लेता है पूरी, तो 100 तक नहीं बोल पाता। बोल देता। ये चौक ए पारस तेरा डंफर दे दे यार मेरे को। ए चिक्की को बिठा ले इसमें, ये मेरे पास आती नहीं। चिक्की लोगों को देख के मेरा बचपना याद आता है। मैं छोटा था, मैं यहाँ थोड़ी था, मैं तो मेरे गांव के था। तेरा गांव कितना फ्लैट है? मेरा गांव तूने नहीं देखा है? मैंने ही बहुत, मतलब मैं ही बहुत कम जाता हूँ। कहाँ पे उसका नाम क्या? कुछ भी नहीं खाता। तू कौन सी चॉकलेट खाता है बता? डेरी मिल्क। डेरी मिल्क लाते हैं तेरे पापा? वाह यार तेरे मजे है रे चिकू। तेरा नाम क्या है? डमरू। स्कूल में फिर नीलेश। नीलेश वाह। चुरत ये मकान कब बनाएंगे? ये वाला इधर इधर मकान कब बनाएंगे? ये तो हमारा बनेगा। विराट विराट सुन मेरी बात। ए विराट तू बड़ा होगा तो क्या बनेगा? लड़की पटाएगा। लड़की पटाएगा? ऐसी बातें सिखाते स्कूल में तेरे? फिर उसने जो बोला था चल, तूने कब बोला ऐसा? क्या करेगा बड़ा होकर? क्यों सिखाए बड़ा होकर क्या बनेगा? फौजी बनेगा। तो फौजी में तो बहुत बहुत भागना पड़ता है, उसमें तो दौड़ लगाना पड़ता है, तू दौड़ लगा लेगा? ए फौजी, अरे फौजी वो तो पुलिस बनेगा ना। पुलिस बनेगा कि फौजी बनेगा? वो तो फौजी बन रहा है ना। फौजी नहीं बनेगा। फिर
पहला कार तो चला तो सीखी हो, कार तो पहला ही जाएगी। तो कार चला के क्या करेगा? सीखना तो पड़ेगा, नहीं फौजी में भी कार चला। मैं फौजी में जरूरत लग गई कहीं कार चलाने वाली। मोबाइल में देखी कहीं देख लिया। गाइज यार, वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे पता चला कि वीडियो बढ़ा चुका है, तो मैंने व्लॉग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट तो आपने ये देख लिया है और सेकंड में नेक्स्ट मिल ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है। तो ये वाला व्लॉग को एंड भी कर देता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।